दोस्तों आज की वीडियो में हम टॉप 7 इंडियन वेब सीरीज के बारे में बताएंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लिस्ट की फर्स्ट सीरीज है पोचर, जो 2024 यानी थोड़े समय पहले ही रिलीज हुई है। यह एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसमें वाइल्ड एनिमल यानी हाथियों को मारकर व्यापार किया जा रहा है। ये पोचर्स को रोकना जरूरी है। स्टोरी आसान लग रही है उतनी है नहीं, इसमें ब्रूटल सीन काफी देखने को मिलते हैं। नेचुरल परफॉर्मेंस एंड धीरे धीरे सीरीज में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जिसमें छोटे से लेकर बड़े क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करते देखने को मिलते हैं। ये सीरीज अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग। सारे अक्यूज्ड गायब हैं। फॉरेस्ट मिनिस्टर का फोन आ गया है, जांच की शुरुआत करनी है। दिस इज एन इंटरनेशनल मैटर। 18 यंग एलिफेंट्स हमारे निगरानी में मारे गए हैं। इतना बड़ा कांड मैंने पहले कभी नहीं देखा है। मेरी बात सुनिए सर, पिछले 30 साल से मैं जंगल का ख्याल रख रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ हाथियों के खून से रंगे हैं सर। कौन है ये पोचर्स? उसमें आर्म्स है, ड्रग्स है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। स्टॉप! और इन्हीं बेचारों को मारते मारते इन दरिंदों ने 10.5 मिलियन रुपीस की इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। मिल क्या? सर, 1 करोड़। नेक्स्ट सीरीज है दहन, जो 2022 में आई थी। दहन एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जिसमें शिलासपुर गांव की धरती पर मायावी आत्मा का श्राप है, जिस पर छेड़छानी की तो शिलासपुर में खून का तांडव हो सकता है। सीरीज के बीच में फैमिली ड्रामा भी देखने को मिलता है, लेकिन हॉरर के साथ स्टोरी टेलिंग बेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर से भरी है, जो अवेलेबल है ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग। शिलासपुर को श्राप लगा था, एक मायावी का श्राप। उसकी आत्मा आज भी शिलास्थल में कैद है। कहते हैं अगर उसकी आत्मा वहां से छूट गई, उससे कोई नहीं बच पाएगा, मौत का खेल रचाएगा। सर, शिलासपुरा के आसपास की पहाड़ियों में सैटेलाइट सेंसर्स ने रेयर अर्थ मिनरल्स डिटेक्ट किए हैं। आपने सोचना ये है कि आप मूर्ख हैं या ज्ञानी? उस पर अगर एक भी खरोच आई, एक क्षण में सर्वनाश होगा सबका। डरा रहे हैं? ये सब उसके आने के संकेत नहीं है तो और क्या है? नेक्स्ट सीरीज है इंडियन प्रीडेटर द बचर ऑफ दिल्ली, जो 2022 में रिलीज हुई थी। क्राइम डॉक्यूमेंट्री जिसमें मर्डर करके लाशों के टुकड़े दिल्ली जेल के बाहर छोड़े गए। मैंने एक डेड बॉडी तिहाड़ के गेट नंबर 3 के ठीक सामने रखी है। अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। दिल्ली में जो है वो ऑन एन एवरेज 500 मर्डर एक साल में होते हैं। हत्यारा लेटर्स छोड़कर पुलिस को चैलेंज करता है। सीरीज शुरू से एंड तक थ्रिलर से भरी है, जो अवेलेबल है ऑन नेटफ्लिक्स। 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग। एक बार फिर डेड बॉडी मिली, इसके बाद ये पता लगा कि कोई ऐसा शख्स है जो इस तरीके से सीरियल किलिंग कर रहा है। इस डेड बॉडी के साथ एक चिट्ठी मिली थी, वो पुलिस से बहुत चढ़ा हुआ था। नेक्स्ट सीरीज है खकी द बिहार चैप्टर, जो 2022 में रिलीज हुई थी। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज रियल इवेंट से इंस्पायर है, जिसमें पुलिस एंड गैंगस्टर्स की स्टोरी दर्शाई है, जहां पर नेक पुलिस अधिकारी क्रिमिनल्स एंड करप्शन को मिटाना चाहते हैं, जिसके लिए वो वहां के डेंजरस क्रिमिनल्स का पीछा करते हैं। लेकिन इसी बीच करप्शन, क्राइम पॉलिटिक्स एंड कैसे कुछ क्या होता है, ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। 8.2 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग। पुलिस और क्रिमिनल दो बिल्कुल अलग लोग, अलग अलग रास्ते से खुलकर आमने सामने आ गए थे। Power doesn't corrupt people, people corrupt power. In short, I want to make a difference, and not a small one. अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अपराध है, तो हम अपराधी हैं। नया नया ड्राइवर कुछ ज्यादा ही हॉर्न बजाता है। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त से पहले हम शेखपुरा को चंदन मतों से आजादी दिलवा देंगे। सिर्फ मौत नहीं, मौत का नाच होगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट सीरीज है घर वापसी, जो 2022 में रिलीज हुई थी। घर वापसी हिंदी लैंग्वेज की पारिवारिक ड्रामा सीरीज है, जिसमें बंदा जॉब से निकाले जाने के बाद अपने घर लौट आता है। यह वेब सीरीज मिडिल क्लास फैमिली की एस्पिरेशंस एंड रिलेटेबल सीरीज है, जो हंसाती है, इमोशनल भी करती है। इसके अलावा सीरीज में क्या कुछ है, कंपैशनेट और एंडियरिंग सीरीज अवेलेबल ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। 8.7 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग। अब आप दो साल बाद आओगे पर चीजें तो बदल जाएंगी ना भैया। यार अगर हम लोग भी शहर में रह रहे होते, कॉर्पोरेट में कबाक पैसे छाप रहे होते। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्या दिक्कत अभी क्या है तुम्हें ये बताओ, सेटल्ड तो हो तुम बेंगलोर में, नौकरी कर रहे हो। यार पापा नौकरी नहीं है। क्या? I'm sorry, we're letting go of the entirety. You know, there has to be some explanation. I don't know. दो EMI है। लगता है तेरा बैड टाइम चल रहा है। यार सबका होता है। क्या इंदौर में क्या कर रहे हो? मैं भी बस वेट कर रहा हूँ, बढ़िया नौकरी हाथ लग जाए, कट लूंगा बैंगलोर वापस। दो निठल्ले कम थे इस घर में, तीसरा भी वापस आ गया। नेक्स्ट सीरीज है ये काली काली आंखें। ये सीरीज 2022 में रिलीज हुई थी, जिसमें लव पॉलिटिक्स एंड काफी कुछ दर्शाया है। तीन चीजें इंसान को बर्बाद कर सकती हैं, पैसा, ताकत और। लगभग 8 एपिसोड के साथ यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। 7 out of 10 IMDb रेटिंग। काली काली आंखें। एक ही जिंदगी हमारे पास। पूर्वा, हमारे इलाके के राक्षस अखिरा जवस्ती के दिल का टुकड़ा। टाइम पे पहुंचना वरना तुम्हें उठवा लेंगे। देखने में कैसी है वो? एक चीज अच्छे तरह से समझ लो, तुम पूर्वा की ट्रॉफी हो और जीतेगी तो वही। उस हरामजादी को पूरे शहर में हमारी जिंदगी मिली थी ठोकने के लिए। तुम तो गए भैया। नेक्स्ट सीरीज है रॉकेट बॉयज, जो 2022 में रिलीज हुई थी। वैसे ये सीरीज सभी पब्लिक के लिए नहीं है, जिसमें मास एक्शन या बोल्ड सीन और आइटम सॉन्ग्स वगैरह जैसी पब्लिक का इंटरेस्ट इस सीरीज में कम लगेगा। रॉकेट बॉयज इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट की बायोग्राफिकल सीरीज है, जिसमें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एंड डॉक्टर विक्रम साराभाई की स्टोरी में आपको भारत के शुरुआती वर्षों का स्ट्रगल एंड आधुनिक तरक्की की बुनियाद नजर आएगी। सीरीज में क्या कुछ है, ये बेस्ट वेब सीरीज सोनी लीव पर देखने को मिल जाएंगी। 8.9 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग। Unfortunately, हमारे लिए नहीं। Now, who can tell me what this is? Natural science, sir, but I have a particular interest in physics. विक्रम साराभाई, तुम एक brilliant scientist हो, और जो तुम अपने देश के लिए कर सकते हो, उस लाखों की भीड़ में और कोई नहीं कर सकता। आपने नाम नहीं बताया अपना? मृणालिनी। It's like gravity. She puts lights on things I didn't know about myself. Are you going to kiss me, Vikram? So you're the famous Homi Bhabha. And you are the... Parvana Irani, mera pura naam. Pandit ji, mera ek proposal hai. India Space Program, sir. Is waqt hamari zaruratein kuch aur hain, Vikram. 8, 7, 6. To dosto, video end karte hain. ऐसी सीरीज के दूसरे पार्ट्स के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।